बेसिकली विटामिन्स के बारे में, मल्टी विटामिन्स के बारे में, अल्ट्रा विटामिन के बारे में। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा डाउट्स होते हैं लोगों को कि कौन से टाइप का मल्टी विटामिन लेना, या जो हमारा अल्ट्रा विटामिन है किस तरीके से ये हमारे लिए एक स्पेशल तरीके के इंग्रेडिएंट बेस्ड फॉर्मुलेशन है और किस तरीके से फ़ायदे देते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स, इसका डाउट बहुत ज़्यादा रहा है लोगों को। लोगों के मन में बहुत सवाल रहते हैं जब भी कोई मल्टी विटामिन टाइप का चीज़ आती है, तो लोग बहुत क्यूरियस होते हैं कि लंबे टाइम तक अगर मल्टी विटामिन को यूज़ किया जाएगा तो इस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, अगर आप बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के अगर यूज़ करेंगे तो आपके साथ किस किस तरीके के इश्यूज हो सकते हैं, वो सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। और हम बात करेंगे अल्ट्रा विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, चाहे वो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं जो एनिमल्स के माध्यम से हमें मिल रहे हैं, या फिर जो प्लांट बेस्ड हमारे पास वेजिटेबल्स होती हैं उनके माध्यम से जो हमें मिलते हैं, उन्हीं दोनों चीज़ों के अंदर में विटामिन्स एग्जिस्ट करते हैं। विटामिन्स आपकी बॉडी को बहुत ही कम मात्रा के अंदर चाहिए होते हैं, ज़्यादा मात्रा के अंदर नहीं चाहिए होते हैं, लेकिन ये कम मात्रा आपको आपके फूड के थ्रू कंज्यूम करनी पड़ती है। आप अगर सही तरीके से एक डाइट का प्रयोग करते हैं तो आपके अंदर बहुत सारे विटामिन्स की डेफिशिएंसीज के चांसेस कम होते हैं। बट एक स्टडी है, साइंटिफिक स्टडी जो एथलीट्स के ऊपर थी, और एथलीट्स के ऊपर की गई स्टडी में ये पाया गया कि अगर 10 एथलीट्स हैं तो 10 में से 7 ऐसे एथलीट्स हैं जिनके अंदर किसी ना किसी तरीके के विटामिन की डेफिशिएंसी है, कहीं ना कहीं वो लैक कर रहे थे उस विटामिन के अंदर, चाहे ए हो, ई हो, सी हो, कोई भी विटामिन हो, लैक कर रहे थे वो उसके अंदर। यानी अगर 10 में से केवल 7 ही, केवल 3 ही ऐसे हैं जिनके अंदर कोई कमी नहीं पाई जा रही, तो वो काउंट अब तक बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। पर 100 के हिसाब से आप ये लगा लीजिए कि शायद 10 से 15% अगर इतने ही लोग होंगे जिनके अंदर में शायद कोई कमी ना ही हो। मोस्ट ऑफ द लोगों के अंदर डी की कमी पाई जाती है, और सी की कमी भी हो जाती है, कैल्शियम की कमी बहुत हो जाती है, आयरन की कमी बहुत हो जाती है, तो इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे लोगों के अंदर में पाई जाती हैं। अब दो तरीके की विटामिन की कैटेगरी होती है। जब भी आप विटामिन को समझने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए ये दोनों चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। दो तरीके की विटामिन्स की कैटेगरी होती है। पहली कैटेगरी है जो कि फैट सोल्यूबल होते हैं। फैट सोल्यूबल मतलब जो भी आपकी फैट सेल्स है बॉडी की, जो आपकी बॉडी में फैट को स्टोर करने का काम करती हैं, इन द सेंस कि फैट आपको एनर्जी भी देता है जब आप एक सही मात्रा के अंदर उसको यूज़ करते हैं, तो जब उसका काउंट उसकी ज़रूरत की मात्रा से बढ़ जाता है तो वो हमारे लिए बैड रिजल्ट्स देता है और बैड आउटपुट्स देता है, यानी कि फैट हमें थाई फैट, टमी फैट, इस तरीके की ओबेसिटी केसेस, मोटापा, ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। विटामिन ए, डी, ई और के फैट सोल्यूबल विटामिन है, यानी कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं मोटापा कम करना चाह रहा हूँ और इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे फैट को तो बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, तो उन लोगों के लिए ये एक मेजर अलर्ट है, एक तरीके का अलार्म है कि अगर आप ऐसा कर रहे हो कि आप बिल्कुल ही फैट को कट आउट कर रहे हो, बिल्कुल ही कंज्यूम नहीं करना, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे विटामिन की कैटेगरी है जो विटामिन की कैटेगरी फैट के बिना आपकी बॉडी में कोई असर ही नहीं दिखाएगी। स्टोर कहाँ से होगी वो अगर आपकी बॉडी के अंदर फैट नहीं होगा तो। आपको गुड फैट पर काम करना होता है तो आपकी विटामिन्स की जो कमी है वो नहीं होती है, लेकिन अगर जो ऑलरेडी स्टोर्ड फैट है जो आपके लिए बैड फैट का काम कर रहा है, जो आपको मोटापा कॉज कर रहा है, उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। एनर्जी के यूटिलाइजेशन के लिए भी ऑल्सो यू नीड फैट टू गेट स्टोर्ड इन योर बॉडी, और ये विटामिन्स जो फैट के बिना आपकी बॉडी को एनर्जी नहीं दे सकते, वो कैसे काम करेंगे जब तक उनको फैट नहीं मिलेगा। ए, डी, ई, के चार तरीके की ऐसी कैटेगरीज हैं जो फैट स्टोरेज विटामिन्स है। नेक्स्ट कैटेगरी होती है एक वाटर सोल्यूबल विटामिन्स। इसीलिए हमेशा बोला जाता है कि जो भी पानी की कमी जब भी होती है तो आपके लिए बहुत सारे एडवर्स इफेक्ट्स आते हैं। विटामिन बी और सी आपकी वाटर सोल्यूबल रेंज होती है। जब भी आप पानी की सही मात्रा का प्रयोग करते हैं तो जब जो लोग पानी ज़्यादा पीते हैं उनकी ना स्किन बहुत अच्छी होती है, हाइड्रेट रहती है उनकी स्किन, क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर में विटामिन सी का एब्जॉर्प्शन बड़ा अच्छा होता है, और विटामिन सी आपकी स्किन पर डायरेक्ट इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये देखना चाहते हैं लाइव, तो जो लेमन वाटर पीने वाले लोग होते हैं, जो सुबह लेमन वाटर को कंज्यूम करते हैं,
वो लेमन वाटर पीने वाले लोगों की स्किन का जो इशू है वो आपको देखने बहुत ही कम मिलते हैं, यानी कि उनकी स्किन हाइड्रेट रहती है हमेशा ही, उनकी स्किन में कोई इश्यूज ही नहीं होते हैं किसी भी तरीके के, हाइड्रेशन को लेकर के, नॉट अदर इश्यूज बट हाइड्रेशन को लेकर के उनकी स्किन में किसी तरीके के कोई इश्यूज नहीं होते हैं। इसीलिए वाटर की कमी अगर आपकी बॉडी के अंदर हो रही है तब भी आपके शरीर के अंदर अलग अलग एडवर्स इफेक्ट आएंगे, बिकॉज सी और वाइटामिन बी जो है वो सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। अब सवाल ये आता है कि किस तरीके के विटामिन सही है हमारे लिए यूज करना, कौन से टाइप का डब्बा हमारे लिए सही है यूज करना, ये हम कैसे समझे। उससे पहले भी एक चीज ये होती है कि अभी जब मैं आपसे शेयर करूंगी कि अल्ट्रा विटामिन किस टाइप की कैटेगरी है, जब मैं शेयर करूंगी तो वहां पे एक शब्द मेरे थ्रू बोला जाएगा कि प्लांट बेस्ड है ये। अब लोग ये पूछते हैं कि हमें तो वाइटामिन बाहर से ही लेना है, तो हमें ये सोचने की ज़रूरत क्यों है कि ये प्लांट बेस्ड है कि ये एनिमल बेस्ड है, ये सिंथेटिक है या फिर ये नेचुरल है। तो उसका आंसर मैं आपको यहाँ दे देती हूँ कि जो एनिमल बेस्ड वाइटामिन्स हैं या जो नेचुरल बेस्ड वाइटामिन्स हैं उनमें डिफरेंसेस कैसे कैसे होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जब भी आप मल्टी वाइटामिन्स को यूज़ करते हैं तो अलग अलग पैरामीटर होते हैं उसके इंग्रेडिएंट्स का आपकी बॉडी पे लगने के इफेक्ट को देखने के लिए, जैसे कि बायो अवेलेबिलिटी। दूसरी चीज आती है थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, जो सर्टिफिकेशन जिसकी आप बात करते हो दैट इज कॉल्ड थर्ड पार्टी वेरिफिकेशन, कि इसमें इन्होंने कोई मर्क्यूरी का ऐड नहीं किया है, इसमें इन्होंने कोई कंटामिनेशन का ऐड नहीं किया, कोई मेटल पोल्यूटेंट नहीं है इसके अंदर, ये तरीके की चीजें। एंड थर्ड थिंग इज डिजोल्यूशन, कि वो किस तरीके से डिजोल्व होता है आपकी बॉडी के अंदर, सही तरीके से जाता भी है कि सही तरीके से जाता नहीं है, ये भी चेक करना एक वाइटामिन की कैटेगरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है। और जब भी आप एनिमल बेस्ड वाइटामिन की जब मैं बात करूंगी तो एनिमल बेस्ड वाइटामिन के अंदर में जनरली एलिमेंटल फॉर्म नहीं होती है। एलिमेंटल फॉर्म नहीं होती मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई व्यक्ति अगर 1200 mg की कैल्शियम ग्लूकोनेट की कोई टैबलेट कंज्यूम कर रहा है ताकि उसको कैल्शियम की कमी ना हो, उस 1200 में से केवल और केवल मात्र 9% ही कैल्शियम उसके शरीर में पहुंच पाता है, यानी कि 1200 mg की एक टैबलेट जिसको हमने ये सोचकर कंज्यूम किया है कि उससे हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैल्शियम मिले और मेरे शरीर की कैल्शियम की कमी खत्म हो जाए, ये सोच जब हमने रखी तो इस सोच के बाद हमारे को जो आउटपुट एक्चुअल में मिला विच इज ओनली 108 mg ऑफ दैट पर्टिकुलर 1200 mg क्वांटिटी, यानी 1200 mg में से 9%, 108 mg ही आपको कैल्शियम मिल पाता है। अब आ जाती, ये हो गया एनिमल बेस्ड, तो इसीलिए प्लांट बेस्ड अच्छे माने जाते हैं। दूसरी चीज, एक चीज ये और होती है कि जो नेचुरल विटामिंस होते हैं, जो नेचर बेस्ड विटामिंस है, उनका एब्जॉर्प्शन सिंथेटिक यानी आर्टिफिशियली जो भी बनाए जाते हैं उनसे भी बहुत अच्छा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप विटामिन ई की बात करते हो तो विटामिन ई जो है उसमें अगर नेचुरल विटामिन ई है तो उसका एब्जॉर्प्शन इज वेरी मच फास्टर कंपेयर टू सिंथेटिक। सिंथेटिक विटामिन ई से कहीं ज्यादा एब्जॉर्प्शन उसका होगा क्योंकि वो एक हर्ब बेस्ड विटामिन की कैटेगरी है, वो एक नेचर बेस्ड विटामिन की कैटेगरी है। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है नेचर बेस्ड विटामिन्स का। अब आ जाते हैं हम पैरामीटर्स को समझते हैं कि कौन से तरीके की जो विटामिन की कैटेगरी है, कौन से तरीके के मल्टी विटामिन की डिब्बे को या कौन से तरीके के विटामिन बेस सप्लीमेंट को आप अच्छा मानेंगे। चार चीजें आपको उसमें देखने की जरूरत है, अभी जो मैंने दो आपसे कंसिडरेशन शेयर किए वो, उसके अलावा मैं आपसे शेयर करती हूँ। नंबर वन इज कौन सी ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स उसके अंदर डाले हैं। मल्टी विटामिन्स के केस में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोटिस, कौन सी ग्रेड, मतलब चार तरीके की ग्रेड्स होती हैं जिनके बारे में मैं अभी शेयर कर रही हूँ। पॉइंट नंबर वन इज फार्माको ग्रेड इंग्रेडिएंट्स यानी फार्मास्यूटिकल बेस्ड इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये इंग्रेडिएंट्स हाईएस्ट ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स माने जाते हैं और इन इंग्रेडिएंट्स का डिसोल्यूशन भी बहुत हाई होता है, एब्जॉर्प्शन भी बहुत हाई होता है एंड न्यूट्रिशन वैल्यू
ऑब्वियसली बहुत हाई होती है। दूसरी ग्रेड होती है मेडिकल ग्रेड मल्टीविटामिन वाले जो टैबलेट्स होते हैं, विच इज प्रीनेटल विटामिंस की कैटेगरी, जिनको कि डिलीवरी के बाद जस्ट बाद दिया जाता है या फिर प्रीनेटल कंडीशंस में दिया जाता है, यानी कि जब बेबी होने वाला होता है तब माँ के थ्रू उसे दिए जाते हैं, और जब बच्चा हो जाता है तो उसको कुछ इंजेक्शंस के थ्रू जो रोग प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है उसके थ्रू भी इस तरीके की कोशिशें की जाती हैं। तो दिस इज मेडिकल ग्रेड मल्टीविटामिन की कैटेगरी, जिसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नोबडी कैन यूज, आप नहीं यूज कर पाओगे इसको, बिकॉज दिस इज फॉर स्पेसिफिकली फॉर प्रीनेटल कंडीशंस, प्रीनेटल विटामिन होते हैं इसके अंदर। थर्ड कैटेगरी आती है इसके अंदर एग्रीकल्चरल ग्रेड, एग्री ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स, एग्री ग्रेड मतलब वेटरिनरी पर्पस के लिए यूज होने वाले मल्टी विटामिंस होते हैं ये। इसमें किसी तरीके का आपसे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि दिस इज फॉर स्पेसिफिकली एनिमल ग्रेड, एग्री ग्रेड मतलब आप एनिमल से रिलेट करिए, वेटरिनरी पर्पसेस के लिए है ये, तो आपको इसको यूज नहीं करना। लास्ट कैटेगरी होती है ग्रेड्स की विटामिंस को चेक करने के लिए, दिस इज कॉस्मेटिक बेस्ड, जिसमें कोई डिसोल्यूशन टेस्ट नहीं किया जाता है, किसी तरीके का एब्जॉर्प्शन टेस्ट नहीं होता है, दिस इज डायरेक्ट कैटेगरी बेस्ड, जिसको आपको बिल्कुल कंज्यूम नहीं करना अनटिल अनलेस यू आर नॉट सेटिस्फाइड कि दीज आर दी प्रॉपर गुड ग्रेड कैटेगरी इन्ग्रीडियंट्स। एंड अब आ जाते हैं कि आपके पास ये सवाल होगा कि मैंने आपसे ग्रेड शेयर किया, अब कौन सी ग्रेड का प्रोडक्ट, कौन सी ग्रेड के इंग्रेडिएंट्स हमारे पास इसमें है, अब ये सवाल आप लोगों को आ रहा होगा। तो फार्माको ग्रेड इंग्रेडिएंट या फार्माकोपिया बेस्ड इंग्रेडिएंट अल्ट्रा विटामिंस के अंदर आपको मिलते हैं, विच इज ऑफ हाइएस्ट क्वालिटी इंग्रेडिएंट, विच इज Completely tested for metal contamination, जो आपका पहला सवाल होता है ना मार्केट में जाने के बाद, उसका आंसर ये है कि which grade do you have, this is pharmacopoeia based ingredient grade product। और second चीज़ ये पूछेंगे animal based होता है कि plant based है तुम्हारे वाला, तो हमारा है plant based, यानी कि इसका absorption it is high compared to synthetic, ये synthetic नहीं है, this is प्लांट बेस्ड, और प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स ही आपको इसके अंदर मिलेंगे, जो मैं आपसे अभी वन बाय वन शेयर भी करूंगी, और उसके हम बेनिफिट्स को भी स्टडी करेंगे, बेनिफिट्स को भी मैं आपसे शेयर करूंगी उसके। तो अल्ट्रा विटामिन का ये बॉक्स है, दिस इज कम्प्लीटली हैविंग वाइटल न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंट तरीके के जो बी न्यूट्रिशन के पैकेजिंग है, दिस इज सीरियसली सिग्निफिकेंट पैकेजिंग, बहुत अच्छी फ्रॉम कंजर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे एनिमल हमने बर्ड्स को लेकर के डिफरेंट तरीके के जो एक्सटिंक्शंस हो रहे हैं बर्ड्स के, डिफरेंट बर्ड्स के, उसके बारे में हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। एंड एक साइड पे आपको इसके बी न्यूट्रिशन का जो ब्रांड है, बी न्यूट्रिशन की जानकारी मिल रही है कि इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस था, एक साइड पे आपको इसके मिल रहा है कि ये जो प्रोडक्ट है इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिसिटी क्या है, उस प्रोडक्ट के बारे में आपको मिल रहा है। तो ये वाइटल न्यूट्रिएंट्स, जिसमें 25 वाइटल न्यूट्रिएंट्स हैं, विच आर फार्माकोलॉजी फार्माकोपिया ग्रेड इंग्रेडिएंट्स, एंड सेकंड इज प्लांट बेस्ड इंग्रेडिएंट्स है इसके अंदर। आई एम नॉट सेइंग सिंथेटिक ग्रेड, वी आर नॉट यूजिंग सिंथेटिक ग्रेड एलिमेंट्स, जिसकी वजह से इसका एब्जॉर्प्शन को लेके कोई टेंशन भी नहीं है, एब्जॉर्प्शन इसका हाई होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में, एक एक करके हम लोग इसके सारे इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे, इसलिए मुझे लिखने पड़ते हैं बहुत सारे पॉइंट्स आप लोगों के लिए क्लैरिफिकेशन करने के लिए। यहाँ पर देखें अगर हम, तो ये जो टेबल है, इस टेबल के अंदर में आपको डिफरेंट तरीके के विटामिंस की कंटेंट, डिफरेंट तरीके के विटामिंस की यहाँ वैल्यूज मिल जाएंगे कि कितने डाले हैं और आरडीए के हिसाब से कितने डाले हैं। उससे पहले मैंने एक आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छी चीज़ निकाली है, जो आपका बड़ा सपोर्ट करने वाली है। शायद आपको अभी इसका आइडिया ना हो, बट अब आपको इसका आइडिया हो जाएगा। एक मल्टी विटामिन बेस्ड जो डब्बा होता है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के जो विटामिंस हैं, कितने कितने होने चाहिए, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट आरडीए, आरडीए की अभी बात नहीं करूंगी, आरडीए की बात तब की जाती है जब आप इंग्रेडिएंट्स डाल देते हैं, और इंग्रेडिएंट्स का कितना परसेंट आपका प्रोडक्ट पूरा कर देता है उसकी बात जब हम करेंगे, तब मैं आपसे आरडीए टेबल शेयर करूंगी। बट उससे पहले आपसे शेयर करती हूँ कि जो गुड कैटेगरी ऑफ मल्टी विटामिंस होते हैं उसके अंदर क्या क्या कितनी कितनी मात्रा में होना चाहिए, ये मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा आपको निकाला है, शेयर करती हूँ आपसे। फर्स्ट इज, जब आप यहाँ पे देखेंगे विटामिन ए जो शुरू हो रहा है यहाँ से, विटामिन ए
यहाँ पे ये दिखा रहा है कि हमारे में विटामिन ए इज 1000 IU, यानी इंटरनेशनल यूनिट्स 1000 IU के हिसाब से है। अब मेरी जो टेबल है, मेरी ये टेबल कहती है कि विटामिन ए शुड नॉट बी हायर देन 5000 IU, चाहे वो किसी भी केस के अंदर हो, चाहे वो बीटा कैरेटिन की फॉर्म में है या किसी भी ए अलग तरीके के रेटिनॉल्स है या कुछ भी है। हम लोग तो प्लांट बेस है इसलिए हम वी आर प्रोवाइडिंग बीटा कैरोटीन। तो आपके मल्टी वाइटामिन के बॉक्स के अंदर में 5000 IU से ज़्यादा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ये। तो अगर कहीं पे भी आपको 5000 IU से ज़्यादा मिल रहा है वाइटामिन ए जिसके अंदर प्रेजेंट है, तो दैट इज़ नॉट राइट फॉर यू, वो आपके लिए सही नहीं है। इट मीन्स हैविंग 1000 IU, 1000 IU यानी 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स, और RDA का 50% रिकमेंडेशन ये आपको दे रहा है। RDA की टोटल वैल्यू की 50% आपको इसके माध्यम से मिल जाती है। RDA रिकमेंड करता है विटामिन ए का, अगर मैं MCG में बात करूँ, दिस इज इन IU तो थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अगर MCG के अंदर मैं बात करूँ तो जो एडल्ट एंड चिल्ड्रंस हैं उसमें 900 MCG, इन्फांट्स के अंदर जो 12 मंथ्स तक के हैं 500 MCG, चिल्ड्रन 1 ईयर टू 3 ईयर्स 300 MCG। आप भी ये लोग निकाल सकते हैं, ये मैंने स्पेसिफिकली RDA रिकमेंडेशन ही निकाली है। प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसके अंदर 1300 MCG। अब ये वाली जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी के हिसाब से हमारा जो प्रोडक्ट है दैट इज गिविंग यू 50% ऑफ डेली रिकमेंडेड अलाउंस, क्योंकि विटामिन ए आपको जो आप डाइट और लेते हो उसके माध्यम से भी मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। सो आपको ले रहे हो, आप कैसी ले रहे हो, नहीं ले रहे हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, बट जो रिकमेंडेड डेली अलाउंस है उसमें भी आपको 50% ऑफ विटामिन ए इस प्रोडक्ट, इस इंग्रेडिएंट की वजह से आपकी बॉडी के अंदर मिल जाएगा। अब ना तो इसके अंदर जो वैल्यू बताई गई है एक मल्टी विटामिन के अंदर ए की, उसको भी ज़्यादा नहीं करता ये, उससे भी सही पैरामीटर पे फॉल करता है ये। एंड दूसरी चीज़, RDA की जो बात कर रही हूँ, RDA के मैटर में भी ये कम्प्लीटली गाइडलाइंस को फोकस कर रहा है। अब आ जाती हूँ मैं दूसरे विटामिन की बात करती हूँ, विच इज़ विटामिन विटामिन डी की बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। विटामिन D2 मैं देख पा रही हूँ, विटामिन D2 की अगर मैं बात करूँ तो एक अच्छे मल्टी विटामिन के अंदर विटामिन डी का जो मात्रा है वो होनी चाहिए 400 IU और मोर, 400 IU से होना चाहिए या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए, डिपेंड्स ऑन कि आप उसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाल रहे हो। तो जब आप हमारा देखोगे तो विटामिन D2 आपको इसके अंदर मिल जाएगा 400 IU। आप यहाँ पे जब आप लेवल पढ़ेंगे तो आप उस पॉइंट को देख सकते हैं, 400 IU आपको विटामिन D2 इसके अंदर मिल जाता है, यानी कि एक स्टैंडर्ड मल्टी विटामिन का जो फॉर्मुलेशन, अच्छा फॉर्मुलेशन जिसको आप कहेंगे, 400 IU तो होना ही चाहिए उसके अंदर, तो वो भी फुलफिल किया है इसने। इसी तरीके से अलग अलग विटामिन एंड डिफरेंट तरीके के जो मिनरल्स हैं उसकी भी बात है। तो ये जितनी भी टेबल मैंने आपसे निकाली है, जितनी भी टेबल मेरे पास है, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगी, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। आप जब इसका मेजर करेंगे कि मल्टी विटामिन की कैटेगरीज को किस तरीके से फुलफिल कर पा रहे हैं हम, तो यू विल गेट द आंसर्स इस टेबल से कंपेयर करते हुए। नेक्स्ट अब आ जाते हैं हम RDA की रिकमेंडेशंस के हिसाब से, अगर मैं बात करूं तो विटामिन ए मैं आपसे शेयर कर चुकी हूं। अब विटामिन ए के अलग अलग पहले टाइप्स की बात करते हैं, फिर RDA की बात करेंगे। विटामिन ए 2 टाइप्स की, 2 अलग अलग कैटेगरीज के अंदर होता है। नंबर 1 इज रेटिनॉइड्स, नंबर 2 इज कैरोटीनॉइड्स। 2 तरीके की कैटेगरी होती हैं विटामिन की ए की ग्रुप, जो विटामिन ए का ग्रुप है वो। अब जो रेटिनॉइड्स होते हैं दैट इज कम्प्लीटली एनिमल बेस्ड, और हम लोग वो नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं बिकॉज ऑफ मैनी पीपल डू नॉट विश टू टेक एनिमल बेस्ड, उनको लगता है कि एनिमल बेस्ड उनको कंज्यूम नहीं करना है। सो वी आर टेकिंग केयर एवरीथिंग एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू बीटा कैरोटीन फॉर्म ऑफ कैरोटीनॉइड्स दैट इज कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड। प्लांट बेस्ड हम लोग आपको दे रहे हैं। कैरोटीनॉइड्स में अल्फा कैरोटीनॉइड्स या गामा कैरोटीनॉइड्स एंड बीटा कैरोटीनॉइड्स, 3 तरीके के अलग अलग कैरोटीनॉइड्स होते हैं। एंड ए के अंदर डिफरेंट तरीके की और भी ग्रुप कैटेगरीज होती हैं, बट यहाँ पे बीटा कैरोटीन की बात है तो आई एम शेयरिंग बीटा कैरोटीन विद यू।
अब बात कर लेते हैं कि जो फंक्शंस हैं विटामिन ए के, कौन कौन से फंक्शंस हैं वो हमें पता होने चाहिए, तभी हम उसकी विजिबिलिटी को ऑब्जर्व कर पाएंगे, विजिबिलिटी को देख पाएंगे। कि अगर आप विटामिन ए पे फोकस हो, किसी में मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके पास आता है कहता है मेरे पास विटामिन ए की कमी है मेरे शरीर में, तब भी आपको विटामिन ए बेस्ड प्रॉब्लम्स का पता होना चाहिए, तभी हम उसकी विजिबिलिटी देख पाएंगे। पहली चीज़ होती है कि इम्यून सिस्टम उसका बहुत स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करता है ये, एनके सेल्स यानी नेचुरल किलर सेल्स को इंक्रीज करता है ये। अगर किसी के अंदर WBC का काउंट कम है, जो वाइट ब्लड सेल्स होती हैं उसका काउंट किसी रिपोर्ट में कम आ रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल जब भी आप किसी तरीके के फीवर से जूझ रहे होते हैं, नॉर्मल फीवर आई एम टॉकिंग अबाउट, तो वहाँ पे WBCs का जो काउंट है डिविएट हो रखा होता है, तो ये WBCs के काउंट को इम्प्रूव करने में भी हेल्प करता है विटामिन ए। अब आ जाते हैं विटामिन ए का एक महत्वपूर्ण फंक्शन यह है कि विटामिन ए विजन में बहुत सपोर्ट करता है। विजन इन द सेंस कि बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनकी आईज में ना स्ट्रेन पड़ता है, उनकी आईज में उनको पेन होता है सिर्फ, उनको किसी तरीके का कोई स्पेक्स का इशू नहीं है, उनकी मसल्स के अंदर पेन होता है, ऐसे केसेस के अंदर भी इफ़ यू आर थिंकिंग अबाउट विटामिन ए तो उसकी विजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको ऐसा कोई केस आता है एंड यू आर रिकमेंडिंग कि आप अल्ट्रा विटामिन ले सकते हो, तो यू विल सी दी एक्चुअल विजिबिलिटी केस थोड़े टाइम के अंदर, शी और ही विल टेल यू कि मेरा थोड़ा स्ट्रेन कम हुआ है या मेरे को थोड़ा सा अच्छा लग रहा है अब, इस तरीके की चीज़ें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम विटामिन, पहले जो मैंने आपसे RDA वैल्यू शेयर की, अब बात करती हूँ मैं आपसे विटामिन बी की। विटामिन बी की अलग अलग कैटेगरीज है इसमें, विटामिन B1 है, फिर B2 है, फिर B6 है, उसके बाद बायोटिन है वो भी विटामिन बी, फोलिक एसिड है, नियासिन है, विटामिन B5 है, विटामिन B12 है और लास्ट में कोलीन है। तो ये अलग अलग ग्रुप्स हैं विटामिन बी की कैटेगरी के, सब ग्रुप्स हैं ये। इसमें सबसे पहला रिकमेंडेशन अगर मैं देखूँ अपनी RDA की वैल्यू के अंदर मैं निकाल कर आपके सामने अगर शेयर करूँ, तो मिलीग्राम्स में 1.2 मिलीग्राम्स एक स्टैंडर्ड काउंट है विटामिन B1 के लिए, यानी थायमिन के लिए आप कह सकते हो 1.2 मिलीग्राम्स स्टैंडर्ड काउंट है, कि 1.2 तो होना ही चाहिए। अब आ जाते हैं हम अपने बॉक्स को स्टडी कर लेते हैं, यहाँ पे ये विटामिन B1 को कह रहा है 1.4 mg है इसके अंदर, यानी कि एक्चुअल RDA रिकमेंडेशन को पूरे तरीके से ये फुलफिल करता हुआ, यानी 100% वैल्यू को फुलफिल करता हुआ प्रोडक्ट है ये, जो एक जनरल रिकमेंडेशन है उससे। अब थायमीन की अगर मैं बात करूँ तो जनरली 1.2 mg और मोर ही होना चाहिए एक स्टैंडर्ड मल्टीविटामिन गुड क्वालिटी फार्माको बेस्ड इंग्रेडिएंट्स अगर जिसके हैं तो उसमें, तो इट इज़ फुलफिलिंग दैट दोनों टेबल्स के हिसाब से, दोनों स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इट इज़ फुलफिलिंग दैट, और विटामिन B1 की कैटेगरी यहाँ पे हमारा आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर कोई और एक विटामिन बी की उठा लेते हैं हम लोग, फॉर एग्जांपल मैं आपसे उठा लेती हूँ राइबोफ्लेविन ले लेते हैं हम लोग, जिसको विटामिन B2 हम बोलते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे विटामिन B2 को ये बता रहा है, मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक स्टैंडर्ड जो होता है, स्टैंडर्ड में आपको यहाँ पे जब आप देखेंगे तो स्टैंडर्ड में ये राइबोफ्लेविन को बता रहा है कि 1.2 mg और मोर होना चाहिए इसके अंदर। अब यहाँ पे विटामिन B2 को बोलते हैं हम लोग राइबोफ्लेविन, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है 1.6 mg और मोर, यहाँ पे राइबोफ्लेविन ये बता रहा है 1.7 mg और मोर होना चाहिए, और यहाँ पे राइबोफ्लेविन 1.6 mg हम लोग दे रहे हैं, यानी कि वी आर स्टिल एक्चुअली सेटिस्फाइंग एंड फुलफिलिंग द क्राइटेरिया ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीविटामिन बेस्ड प्रोडक्ट, उसकी भी कैटेगरी को फुलफिल कर दिया हमने। राइबोफ्लेविन का RDA रिकमेंडेशन टेबल के हिसाब से अगर बात करूँ तो मिलीग्राम्स के अंदर है ये एंड इट इज शोइंग 1.3। जिसको ये टेबल चाहिए वो यू कैन टेल मी आई विल शेयर। मिलीग्राम्स में 1.3 mg जो है वो होना चाहिए राइबोफ्लेविन एंड वी आर एक्चुअली फुलफिलिंग दिस क्राइटेरिया, हम लोग इस क्राइटेरिया को एक्चुअली फुलफिल कर रहे हैं। तो ये हैं कुछ जनरल जो एग्जांपल के तौर पे मैंने आपसे कंपैरिजन जो आप कहते हैं वो शेयर करने के लिए, जो आपका सपोर्ट करेगा शेयर करने में डिफरेंट तरीके के विटामिंस
को किस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो कि आपका प्रोडक्ट फुलफिल कर रहा है। अब बेनिफिट्स पे बात कर लेती हूँ। ग्रुप्स ऑफ विटामिन बी हैं इसके अंदर एंड कंबाइंड बेनिफिट्स आई हैव टेकन, उसमें से 2 से 3 सेपरेटली भी मैंने लिए हैं। तो पहले मैं बात कर लेती हूँ कंबाइंड बेनिफिट्स इनके कैसे हैं। कंबाइंड बेनिफिट्स में अगर मैं बात करूँ तो नर्वस सिस्टम के लिए दिस इज वेरी नाइस। विटामिन के मेटाबॉलिज्म के लिए भी विटामिन बी आपको रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट आपके लिवर डिटॉक्सिफिकेशन एंजाइम्स को इनहेंस करने में भी विटामिन बी इज रिक्वायर्ड। दीज आर सम कॉमन बेनिफिट्स। और बेरी बेरी हम सभी जानते हैं, बी से बेरी बेरी बचपन से रट रखा है हम लोगों ने, तो वो तो है ही है। इसके अलावा बात करूँ तो जो भी लोग स्ट्रेस वाले हैं, ज़्यादा जिनको स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, उन लोगों के लिए दिस इज़ एक्चुअली ए नाइस प्रोडक्ट। स्ट्रेस बूस्टर की तरह भी ये काम करता है। इफ़ दे आर टेकिंग डी स्ट्रेस देन वेरी नाइस। अगर डी स्ट्रेस नहीं लेना चाहते हो, आप लोगों को लगता है कि आई डोंट वॉन्ट टू टेक डी स्ट्रेस, कि मेरे को हल्का बहुत कोई स्ट्रेस हो रहा है, तो आपके शरीर में कोई कमी है स्पेसिफिकली, जब आप जानते हैं कि आपके शरीर में कमी की वजह से हो रहा है, तो आप अल्ट्रा वाइटामिन को ले सकते हो। ऑल्दो आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको क्यों है, आपके शरीर में कमी भी नहीं है, बट लाइफस्टाइल की वजह से, आपको वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस है, देन यू कैन टेक डी स्ट्रेस एज वेल, जिस पर भी हम जल्दी बात करेंगे। पहला विटामिन बी का एग्जाम्पल लिया है मैंने B1 थायमीन की बात करती हूँ। थायमीन की जब भी आप बात करोगे तो थायमीन इज एक्चुअली वेरी गुड फॉर योर नर्व सिस्टम। आपका जो ब्रेन सिस्टम है उसके लिए दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस। एक्चुअल में यही विटामिन बी की कैटेगरी है जो नर्वस सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, जिसको और बहुत रिलैक्स करता है ये हमारी ब्रेन की जो सेल्स हैं उनको। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग B3 विटामिन की बात करती हूँ आपसे। नियासीन इसको बोलते हैं, जो आप इसमें बॉक्स में भी देखेंगे। नियासीन स्पेसिफिकली आपको हेल्प करता है कोलेस्ट्रॉल को कम करने। अब जिन भी लोगों के पास में कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइलिंग का उन्हें पता है कि उनको कोलेस्ट्रॉल का इशू हो रहा है, तो दे कैन ऑल्सो रिकमेंड अल्ट्रा वाइटामिन, क्योंकि जो इंग्रेडिएंट है इसके अंदर, जो नियासीन है इसके अंदर, वो बहुत सपोर्टिव है इसके इसके अंदर, तो आप बिना किसी टेंशन के इसको यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट चीज़ पर बात करूँ तो राइबोफ्लेविन यानी विटामिन B2 की बात कर लेती हूँ। विटामिन B2 स्पेसिफिकली जो विटामिन K है, अब विटामिन्स में भी क्या होता है कि ये एक दूसरे की इंटरेक्शन पे डिपेंड करते होते हैं, यानी एक विटामिन दूसरे विटामिन की इंटरेक्शन पे डिपेंड करता है। इसीलिए जो विटामिन बी है वो विटामिन के मेटाबॉलिज्म में बहुत सपोर्ट करता है, और स्पेसिफिकली जो विटामिन बी की कैटेगरी है राइबोफ्लेविन, वो हेल्प करती है विटामिन के एब्जॉर्प्शन के अंदर भी। अब बात करती हूँ फॉलिक एसिड की। फॉलिक एसिड एक जनरल नाम है जिसको हर कोई सुनता है, तो फॉलिक एसिड का नंबर वन बेनिफिट्स है आपको डिफरेंट तरीके के सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो इश्यूज हैं उसको सपोर्ट करता है ये, उनको रिलीफ देने में सपोर्ट करता है ये। एंड दिस कैटेगरी ऑफ विटामिन इज एक्चुअली वेरी नाइस फॉर डाइजेस्टिव ट्रैक। ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। स्पेसिफिकली फॉलिक एसिड आपकी बॉडी के अंदर डाइजेस्टिव ट्रैक के लिए बहुत सपोर्टिव है। विटामिन बी के और भी कैटेगरीज इसके अंदर हैं, बट नंबर ऑफ कैटेगरीज हैं तो इसीलिए मैं बहुत सारे बेनिफिट्स तो नहीं ले पाई, लेकिन कॉमन बेनिफिट्स आप लोगों से शेयर कर दिए ताकि आप लोगों को जनरल ऑब्जर्वेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। नेक्स्ट विटामिन की कैटेगरी आ जाती है विटामिन सी। अब विटामिन सी हर हालत में आपके फूड के थ्रू आपको कंज्यूम करना पड़ेगा। अब जितने भी लोग जिन्होंने कोरोना से पहले जूझ चुके हैं, जिनको पहले कोरोना हो चुका है और वो रिकवर हो चुके हैं, उन्हें ये बात पता होगी कि उनकी उनकी बॉडी के लिए उनको विटामिन सी टैबलेट्स दिए गए थे, उन्हें ये बात पता होगी। एंशियंट टाइम्स में हिस्टोरिकली अगर मैं बात करूँ तो विटामिन सी पहला ऐसा विटामिन था जिसका ऑब्जर्वेशन किया गया कि डिफरेंट तरीके के जो सकर्वी प्रॉब्लम्स थे उनको रिलीफ करने में विटामिन सी कामयाब हो गया। बहुत सारे फ्लू सिम्टम्स को रिलीफ करने के लिए विटामिन सी कामयाब हो गया, जहाँ पे इतने सारे ड्रग्स कामयाब नहीं होते। ये साइंस कहता है, ये मेरी स्टेटमेंट नहीं है, साइंस कहता है ये बात। तो विटामिन सी की वैल्यू इसीलिए सबसे पहले गिनाई जाती है, और विटामिन सी को ही कोरोना काल में जिन लोगों ने सर्वाइव किया है, जो आज जीत रहे हैं कोरोना से, जो जीते हैं, एंटीबॉडीज बन चुकी है जिनके अंदर, दे मस्ट बी हैविंग विटामिन सी इन देयर डाइट एट दैट टाइम, उनकी डाइट के अंदर होगा, चाहे वो सिट्रस फ्रूट के थ्रू गया हो, चाहे वो लेमन जूस लिया है उसके थ्रू, वो भी सिट्रस ही है,
चाहे उन्हें वाइटामिन सी की च्यूएबल टैबलेट्स दी गई हो, कुछ भी किया गया हो, लेकिन उनकी बॉडी को वाइटामिन सी दिया गया है। नेक्स्ट कैटेगरी पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाइटामिन पे बात करूं तो वाइटामिन डी। अब बहुत सारे केसेस के अंदर आपको कैल्शियम और वाइटामिन डी इकट्ठे मिलते हैं, क्योंकि वाइटामिन डी की वजह से कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है, यानी कि डी की प्रेजेंस कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन पे एंड कैल्शियम की प्रेजेंस डी के एब्जॉर्प्शन, इन दोनों का स्ट्रॉन्ग इंटरैक्शन होता है एक दूसरे से। अब कैल्शियम हर हालत में कभी भी आपके प्रोडक्ट के अंदर में एक्सेस में नहीं होना चाहिए डी के कंपैरिजन में। यानी कि मेरा कहने का क्या मतलब है, अब जैसे विटामिन डी टू अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो विटामिन डी टू हमारे प्रोडक्ट में 400 IU है, 400 इंटरनेशनल यूनिट्स है। कैल्शियम का जो कंसंट्रेशन है इसके अंदर 72 mg, यानी कि यहाँ पे कहीं से भी कैल्शियम एक्सेस नहीं कर रहा है विटामिन डी से, क्योंकि अगर ये एक्सेस करता है तो ये आपके लिए डेंजरस होता है, तब आपको हाइपरकैल्शेमिया जो शिकायतें आप सुनते रहते हैं वो सारी शिकायतें आपको देखने को मिलती हैं। अब आ जाते हैं हम लोग डिफरेंट तरीके के और मिनरल्स की बात कर लेती हूँ। दिस इज कंटेनिंग आयरन एज वेल, दिस इज कंटेनिंग मैगनीज जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसमें सपोर्ट करता है ये बहुत ज़्यादा। आयोडीन बहुत ज़्यादा हम लोगों को रिक्वायर्ड है, आयोडीन की कमी बहुत पाई जाती है, सॉल्ट इनटेक अगर सही नहीं होता तो आयोडीन की कमी बहुत मात्रा में पाई जाती है। जिंक जो इम्यूनिटी बूस्टर की तरह काम करता है। जिन लोगों को ये टेबल चाहिए आप लोग प्लीज़ मुझे शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप के ऊपर, तो मैं इसकी फ़ोटो खींच करके आप लोगों से शेयर कर दूंगी, जो आपका सपोर्ट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे आपको। नेक्स्ट चीज़ पे अगर मैं बात करूँ तो नेक्स्ट चीज़ पे यहाँ पे डोसेज पे बात करनी बड़ी ज़रूरी है कि अल्ट्रा वाइटामिन की डोसेज क्या है, कैसे आपको लेना है। आपको इसका एक कैप्सूल लेना है डेली, चाहे आप बिफोर मील्स लो चाहे आप आफ्टर मील्स लो, लेकिन आपको इसका एक ही कैप्सूल लेना है एंड यू आर टेकिंग इट विद वाटर। आप इसको पानी के साथ ले सकते हो, डिपेंड ऑन द कंडीशंस, जिसके अंदर डेफिशिएंसी ज़्यादा है तो कई बार रिकमेंड दो भी किए जाते हैं, बट डिपेंड्स ऑन कि कैसी प्रॉब्लम है उसको। बट जनरल एंड स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन फॉर अल्ट्रा विटामिन इज 1 dose एट अ टाइम इन 1 day। तो ये चीज़ हमारी अल्ट्रा वाइटामिन को फुलफिल करते हुए यहीं पे हमारा सेशन ख़त्म होता है अल्ट्रा वाइटामिन बेस्ड, एंड आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। और जो टेबल आप लोग मांग रहे हैं, आप लोग जिनको भी चाहिए या तो आप मुझे व्हाट्सएप पे हाई कर दीजिएगा, या फिर अगर मेल आईडी है तो मेरी मेल आईडी पे आप मुझे लिख के भेज दीजिएगा, तो आई अटैच दी पिक्स विद दैट। जिनको भी चाहिए है आई डेफिनेटली हेल्प यू। कहीं पे डाउट आपको लगे टेबल्स में तो प्लीज़ कंसिड्रेशन करिए, आप मेरे साथ कंसल्ट करिए मेरे साथ, ताकि मैं आप लोगों को हेल्प कर पाऊँ और बता पाऊँ कि ऐसा किया गया है तो ऐसा क्यों किया गया है। विदाउट प्रॉपर नॉलेज कुछ भी तरीके का डिसीजन मत लीजिएगा, और डिफरेंट तरीके के अलग अलग वीडियोस को देख के अपना थॉट कभी मत बनाइए। अनटिल अननेस आपके पास उसका साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, तब तक आप किसी वीडियो को सच मत मानिए। मेरा यही मानना है कि अगर आप किसी भी तरीके की हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं, जब तक आपके पास उसका साइंटिफिक प्रूफ नहीं होता है, कोई भी वीडियो को आप सच मत मानिए। अगर साइंटिफिक प्रूफ है तो उस पर सवाल उठाइए, आपका हक है, लेकिन अगर साइंटिफिक प्रूफ नहीं है तो उन वीडियोस को फॉरवर्ड करने से या उन वीडियोस पर सवाल उठाने से कोई यूज़ नहीं है। चाहे वो कहीं पे भी जुड़ी हुई वीडियो हो, किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई वीडियो हो, साइंटिफिक एविडेंस है तो आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि ये चीज़ है तो आप हमें बताइए कि क्या ये चीज़ सच है या नहीं है। अगर साइंटिफिक एविडेंस आपके पास नहीं है, उस वीडियो में ही कुछ ऐसा प्रूफ नहीं दिखाया गया, तो सवाल भी मत करिए, बिकॉज दैट कैन बी फेक। आई एम नॉट सेइंग कि वो मस्ट फेक होगी, लेकिन दैट कैन बी फेक ऑल्सो। थैंक यू सो मच एवरीबडी।